ये लोग का सोचते हैं कि चार लोगों को भेज दो, भगवा भगवा चिल्ला दें, चुनाव तो है ही अभी, चुनाव इनका बहाना है, भगवा पे इनका निशाना है, भगवा दिखाते हैं, भगवा नहीं है वो ऑरेंज कलर है, जैसा को कहे पकौड़ा नहीं तलवाए, कहते हैं खूब पढ़ो खूब बढ़ो तो हम क्या करने के लिए पढ़े, पकौड़ा तलने के लिए? आपको आईटी सेल वालों ने कितना पैसा दिया है कि जाके उनका विरोध करो? मोदी जी आपने कहा था महिला सशक्तिकरण करेंगे, आपके सहसंयोजक आपके मंत्री जब उसे मार देते हैं, नोच डालते हैं, तब आप लोग कहाँ चले जाते हो? देखो जिसको जो करना है करने दो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, आस्था माहौल में हमारी भी आस्था है, लेकिन जो नोचने घसीटने और फाड़ने का काम करते हैं उनमें कोई माँ की ममता क्या होती है? माँ की ममता आप उन्हें माँ बोल रहे हो और फिर दूसरा व्यवहार दिखा रहे हो। आस्था माँ नाम है ना उनका? नहीं, नाम उनका आस्था है। आस्था का क्या मतलब होता है? किसी चीज में आस्था रखना। और माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे को अपने बच्चे के लिए खुद काम करती कि हाँ मेरा बच्चा ऐसा हो जाए। अब ये किसी के बच्चे को घसीटने रोंदने का काम माँ करती है? नहीं, मैं नहीं मानता। वो आस्था माँ होंगी, उनके चरणों में मेरा बंधन है, लेकिन पठान मूवी का समर्थन उनके हिसाब से गलत उनको दिख रहा होगा। तो तुम्हारे हिसाब से क्या है? मुझे सही दिख रहा है भाई, वो कोई सही दिख रहा है, बिल्कुल सही है। भगवा तुमने भी पहना हुआ है, भगवा पहन के ये भगवा है वो ऑरेंज कलर है। अच्छा? ये भगवा है वो ऑरेंज कलर है, वो ऑरेंज है। हाँ, सूरज संतरी नारंगी क्या होता है, अलग होता है भगवा, अलग। और क्या, और क्या? अच्छा, कैसे? देखो संतरा है, छिलका उसका किस कलर का है? ऑरेंज कलर का है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर रहे हो आप, घुमा रहे हो लोगों को। क्यों घुमा, कौन सा रहे बताइए? हाँ। क्या घुमा रहे हैं भाई, बताओ, आपको लग रहा है कि क्या घुमा रहे हैं तो बताओ ना क्या घुमा रहा हूँ मैं। हाँ। बताओ, संतरा नारंगी किसे कहना चाह रहे हैं आप? जो भगवा है। हाँ। वो साधु संतों का चोला है। हाँ। जो भगवा है। हाँ। वो हमारे रथों में लगता है, भगवान के रथ। जो भगवा है वो बजरंगी का चोला है, जो भगवा है वो हमारे सर का ताज है। कट्टर हिंदू विरोध कर रहे हैं पठान का, और आप कट्टर हिंदू हो उसके बाद भी आप जो है उसको समर्थन कर रहे हो? अरे मैडम, वो भगवा जब है ही नहीं तो हम तो समर्थन करेंगे ही, वो ऑरेंज कलर है। हाँ। और उस पे फालतू की राजनीति जो सरकार कर रही है वो गलत है। हाँ। मोदी जी तो नहीं कहते कि हाँ वो भगवा है। मोदी जी ने कहा कभी? मोदी जी बोलेंगे कि पठान मूवी, मोदी जी अगर कह दें। हाँ। मोदी जी अगर कह दें कि पठान मूवी का हम और हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारा देश बहिष्कार करता है, हम नहीं देखेंगे। अगर मोदी जी बोले तो ये लोग क्या सोचते हैं कि चार लोगों को भेज दो, भगवा भगवा चिल्ला दें, चुनाव तो है ही अभी, चुनाव इनका बहाना है, भगवा पे इनका निशाना है, भगवा दिखाते हैं, भगवा नहीं है वो ऑरेंज कलर है। प्रसून जोशी जी जो अध्यक्ष थे वहाँ के, इतने तो बेवकूफ नहीं थे वो कि भगवा को मतलब उनकी आत्मा को ठेस पहुँचाते हिंदुओं की? वो भी तो हिंदू ही हैं। आज आपके फर्जी हिंदुत्व का एक्सपोज हो गया है। कौन से फर्जी हिंदू का? आप साबित करोगे कि मैं फर्जी हिंदू हूँ कि असली हिंदू हूँ कि कैसा हिंदू हूँ? आप साबित करोगे? आप हिंदू हो ही नहीं। बीजेपी। अच्छा। वाले ने आपके एक्सपोज किया पकड़ के। अरे भैया, बीजेपी वाले तो क्या कह रहा हूँ कि वो भाजपा ही नहीं है, वो दंगाई हैं। दंगाइयों का काम होता है सिर्फ और सिर्फ जो बोले सही उसे दो वही। अरे कभी आप मोदी जी को अपना गुरु बताते हैं? मोदी जी तो मेरे गुरु हैं, मैं तो कहता हूँ मोदी जी मेरे। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो भाजपा ही नहीं है, जो लोग दंगा फसाद करते हैं वो भाजपा ही नहीं, वो दंगाई हैं। अच्छा। मैं मोदी जी का अपना गुरु मानता था, मानता हूँ, मानता रहूंगा, लेकिन मुझे उनकी नीतियों से दिक्कत है। मोदी जी ने जो वादा किया था वो पूरा करें। हम मोदी जी का वादा किया है 100 करोड़, हाँ 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया, मिल नहीं रहा है। दिया उन्होंने, मिल नहीं रहा है। केंद्र की रिपोर्ट कितनी आई है बताओ? 7 लाख। आत्मनिर्भर बनो, पकौड़ा तलो। अच्छा, जैसा को पंकज सिंह को कहे पकौड़ा नहीं तलवाए, जैसा को कहे पकौड़ा नहीं तलवाए। आलसी लोग हैं आप। अच्छा, जैसा को आलसी बोल रहे हो, जैसा को आलसी बोल रहे हो, पंकज सिंह को आलसी बोल रहे हो, प्रहलाद मोदी को आलसी बोल रहे हो, हमसे कह रहे हैं पकौड़ा तलवा। तो भैया हम कहते हैं खूब पढ़ो खूब बढ़ो तो हम क्या करने के लिए पढ़े, पकौड़ा तलने के लिए? हमारे घर वालों ने लाखों पैसा खर्च किया पकौड़ा तलने के लिए, हम तो उसी लाखों से अपना पकौड़े की दुकान खोल लेते, पकौड़ा तल रहे होते। सनातन धर्म को क्यों बदनाम करते हैं, युवाओं को गुमराह करते हैं? कौन से मैंने सनातन को ठेस पहुंचा दिया भाई? सनातन का मैं कोई विरोध ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सनातन होके सनातनियों का विरोध कर रहे हैं मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। जो ऑरेंज कलर को भगवा कह रहे हैं, जो ऑरेंज कलर को भगवा कह रहे हैं, मैं उस चीज का विरोध कर रहा हूँ भाई। वो फिल्म सही है, मैं इसलिए उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें देश के फौजियों को दिखाया गया सही है। अब तो बुर्ज खलीफा भी अभी चल रही है। अच्छा। हाँ, तो जो है तो आपको आईटी सेल वालों ने कितना पैसा दिया है कि जाके उनका विरोध करो? जो विरोध कर रहे हैं उनको भाजपाइयों ने कितना पैसा दिया है?
जो दंगाई है उनको कितना पैसा मिला है बताइए। धर्म बचा रहे, धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना ही मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में है मैडम, कोई खतरे में नहीं है यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी की दुकान खतरे में बता रहे हो, बिल्कुल। कल तक तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे भैया। मैं क्या करूँ, मैं अभी भी बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, उनकी नीतियाँ जो गलत है मैं उसका विरोध करता हूँ। मैं तो मांगने वाला गैंग इकट्ठा हुआ है, हमेशा वो भाजपा का विरोध करेगा और फिर बाद में फोन पे गूगल पे पीटीएम ये सब में लगा हुआ है। ये देखो, ये सब फर्जी बकवाद है, आप अपनी तरह हमें मत समझिए। हम देश के वास्तविक मुद्दों के लिए खड़े हैं, हम किसी पार्टी के चंदे के लिए नहीं खड़े हैं भाई। सुनो, पहले लोग लेटरिंग खा लें, लोग लेटरिंग खा लें तो खाओगे नहीं खाओगे भैया? लोगों का क्या काम है बरगलिया ना, जो वास्तविक मुद्दों की बात करता है ना उसे कह दिया जाता है ये घूस लेके आया हुआ है, ये कांग्रेस का एजेंट है, आम आदमी का एजेंट है, या किसी का एजेंट है। मैडम महंगाई बेरोजगारी की हम बात करते हैं, अगर महंगाई बेरोजगारी आप लोगों को मुद्दा तो नहीं लगता है, बुर्ज खलीफा पे टीजर दिखाने से फिल्म हिट हो जाएगी भैया? मैं क्या कह रहा हूँ, हिट नहीं होगी, ये सुपर हिट होगी, और सुपर हिट से जो हिट होती होगी वो आप देखने से हिट हो जाएगी। अनुराग ही नहीं, अनुराग ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही उसे देखने जाएगा, देखने जाएगा। ऐसी हो गई है वो फिल्म, ब्रह्मांड नहीं देखेंगे। अरे भैया हम क्या करें कि भारत का बच्चा बच्चा 135 करोड़ ब्रह्मांड देखने जा रहे हैं, ब्रह्मांड हो गई क्या? बिल्कुल सब जाएंगे देख। बेबी बीएसपी के नाचत वाली चमक चमक चम मनोज तिवारी नाचे भाई, देखो वो भी ऑरेंज कलर के पहन के, मैं उसे भी भगवान ही मानता हूँ भाई। मैं जितने भी ये लोग कहते हैं ना कि मनोज तिवारी का हो गया, रवि किशन का हो गया, या उसका निरहुआ का हो गया, सिर्फ मैं अक्षय कुमार का विरोध करता हूँ। पूछो कैसे? क्योंकि भाई उनकी वो है नी भूल भुलैया में भैया, ऐसे जैसे इसमें लिखा हुआ है ना राम राम, ऐसे ही वो बीबी वो हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं, वो भगवा का विरोध है, वो भगवा का अपमान कर रहा है। अच्छा। और उसका विरोध क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मोदी जी से पूछता है, मोदी जी आप आम काट के खाते हो चूस के खाते हो? अच्छा, सिर्फ इनको खान गैंग से दिक्कत अच्छा, है मैडम। एक्टर मतलब इंटरव्यू कर ले तो आपको उससे भी तकलीफ हो रहा। अच्छा अगर आप हो मैडम, आप मोदी जी से जाओगे इंटरव्यू लेने तो महंगाई बेरोजगारी पे पूछोगे? मोदी जी आम काट के खाते हो चूस के खाते हो ये पूछोगे? उसका 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 अपना आप जाओगे, आप जाओगे तो क्या पूछोगे? आप जाओगे तो क्या पूछोगे? पूछूंगी, बहुत सवाल पूछूंगी पहले मोदी जी। एक सवाल बताइए तो, एक सवाल बताइए, क्या पूछेंगे? हम तो महंगाई पे पूछेंगे। मोदी जी आपने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, वर्तमान सरकार मौजूदा सरकार महंगाई की मां लेने तक तैयार नहीं। मोदी जी आपने महंगाई का मां कितनी बार लिया? हम मोदी जी से पूछेंगे, मोदी जी आपने कहा था महिला सशक्तिकरण करेंगे, आपके सहसंयोजक आपके मंत्री जब उसे मार देते हैं नोच डालते हैं तब आप लोग कहाँ चले जाते हो? हम तो मोदी जी से पूछेंगे, मोदी जी आप कहते हो किसानों की आय दुगनी कर देंगे, यहाँ पे डेली मैडम डेली 30 किसान मर रहा है भारत में, और इनके राज गृह मंत्री का लड़का उन पे गाड़ियां चला देता है, उन पे कार्रवाई कब करोगे मोदी जी? हम तो मोदी जी से पूछेंगे कि आप कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ बेटी पटाओ, पता नहीं क्या क्या बोलते मोदी जी ने कहा था बेटी पटाओ? हाँ बिल्कुल बोला था, बोला था बिल्कुल बोल। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह भाई, जुबान फिसल गई, आदमी गलती कुछ नहीं बोल सकता। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जो गलतियाँ की हम वही बताएंगे उनसे। मोदी जी सा मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मोदी जी की नीतियों का मैं विरोध करता हूँ। मैं भैया देखो, मैं भाजपा का एजेंट दिख रहा हूँ, कांग्रेस का एजेंट देख रहा हूँ, मुझे अगर टिकट लेना होता, मुझे पार्टी ज्वाइन करनी होती तो अब तक कर नहीं लेते भैया। मैं सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ, आधार कार्ड मांग रहे, सबूत मांग रहे, सबूत मांग रहे हैं आपसे। सुनो अच्छा, देखो आधार कार्ड देखने वाले आप लोग कौन होते हो? कागज मांग रहे हैं आपसे, कागज दिखाइए। अच्छा कागज दिखाओगे तो रिहुंगिया हूँ। रोहिंग्या इंसान नहीं होते? नहीं होते, हम तो कहते हैं सब इंसान है। मैं तो कहता हूँ सब इंसान। नहीं आप कह रहे हो ना कि आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड कहे दिखाएं भाई? मोदी जी कहते थे आधार कार्ड पर्सनल जानकारी है 2014 से पहले, और बाद में आगे सब कुछ लिंक करवाओ आधार कार्ड से। मोदी जी कहते थे कि भाइयों बहनों मित्रों, ओबामा ओसामा को खींच के लाएंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। मोदी जी बहुत कुछ किए कहे, लेकिन उन्हें कुछ किया नहीं। आधार कार्ड देखने वाले आप कौन होते भाई? संविधान ने मुझे अधिकार दे रखा है, आप
किस आपको प्रधानमंत्री जी ने भेजा है, गृह मंत्री जी ने, आप भैया कौन होते हो आधार कार्ड देखने वाले, बताओ किसको दिखाएंगे आप आधार कार्ड, किसको दिखाएंगे? मोदी जी कहें मोदी ने भेजा है, दिल्ली पुलिस मांगेगी तो भाई दिल्ली पुलिस आके बोले कि हाँ आधार कार्ड दिखाओ। भाई मैंने कोई जुर्म किया हो, अगर देश की सरकार से महंगाई बेरोजगारी पर सवाल पूछना अगर अपराध है, अगर अपराध है तो ये गलत है भैया। देखो महंगाई बेरोजगारी पे हमेशा सवाल पूछना चाहिए। मोदी जी भी कहते थे कि जो पहले एक आपसे आधार कार्ड मांगा था एक व्यक्ति ने, क्या कहा आपने? मैं आपको पर्सनल दिखाऊंगा, बताइए ना भाई। देखो आधार कार्ड की लकड़ी है, क्या हो रहा है? उनको बोलने क्यों नहीं दे रहे आप? उनको बोलने दीजिए, किसी को बोलने दीजिए, गलत कर रहे हैं जो। ये देखिए भैया, देखो आधार कार्ड, सुने सारा कैमरा चल रहा है ना, देश का दुर्भाग्य है ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है कि कोई महंगाई ये है कि सारी पार्टी के नेता चोर है, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी के सारे चोर हैं, इनको जब तक जिताते रहोगे ना देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा। मैडम देखो ये देश का दुर्भाग्य है कि कोई मजदूरों के लिए, कोई गरीबों के लिए, कोई बेसहारों के लिए आवाज उठाता है ना तो उसका आधार मांगा जाता है। भैया हम हिंदुस्तान से हैं, सुनो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं, राहुल गांधी एक फटे हुए टायर की तरह, राहुल गांधी एक फटे हुए टायर भाई। देखो उसमें जितनी भी हवा भर लीजिए आप बेकार जाएगी, फटा हुआ टायर है वो, उसको कहां से प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? भाई देखो प्रधानमंत्री राहुल गांधी क्या करेगा? मैं महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाता रहूंगा, कुछ भी हो जाए, करप्शन से हमने उसको हटाया था, करप्शन के खिलाफ।